दिल्ली में लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करने वाले अरविंद केजरीवाल को बधाइयां मिल रही हैं। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में कहा कि वह इस जीत के लिए आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को बधाई देते हैं। जनता ने जो जनादेश दिया है उसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। जो सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल जी को हम शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, और जनता ने अपना जो जनादेश है वो सबों के सामने रखा है और सब लोगों को स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार का नफ़रत का माहौल भाजपा द्वारा जिस प्रकार से फैलाया गया, जिस प्रकार के काले कानून से लेकर के क्या क्या नारे केंद्र मंत्रियों ने वहाँ नहीं लगाए, एक रात पहले भी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से धन का प्रयोग किया गया, बल का प्रयोग किया गया। हर जगह जो है दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के दूसरे वर्ण को लेकर के गाली देने का काम कर रहे हैं, तो ये जो नफ़रत और जहर का जो वातावरण जो पैदा किया था भाजपा के लोगों ने, दिल्ली के जनता का जनादेश साफ क्लियर है, काम पे लोग जो है वोट करेंगे। अच्छा, एक सवाल आप देखिएगा, दिल्ली में जो भी काम किए अरविंद केजरीवाल जी ने 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए, वो दिल्ली की जनता ने एक और मौका दिया। लेकिन एक बात सबों के लिए है, सबों के लिए संदेश है कि नफ़रत की राजनीति नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए, काम के आधार पे लोग जो हैं बीच जनता के बीच जाएं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोज़गार हो, देश में जिस प्रकार से आर्थिक मंदी हो, महंगाई हो, गरीबी है, तो ये सारे आधार पे हम लोगों को, सब लोगों को एक विचार करना पड़ेगा कि हम सभी लोग जो हैं एकजुट होकर के जो समस्याएं हैं उसका निदान करें, ना कि जहर बोने की राजनीति पैदा करें। और जो जनादेश में साफ क्लियर है कि एक तरफा ये चुनाव जो है। आपको बता दें, कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव को लेकर पहली बार किसी पार्टी के साथ हाथ मिलाते हुए आरजेडी से गठबंधन किया था। आरजेडी ने दिल्ली की 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था और वह चारों सीटें हार गई है। पटना से न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।